लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मानसून बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है और ऐसे में नई मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो हर साल पानी में डूबते रहे हैं और इसीलिए इस बार ये मुद्दा ज़्यादा गंभीर हो गया है। आज जब बीजेपी विधायक गणेश नाइक महानगर पालिका आयुक्त से मिलने के लिए आए थे उस वक्त एक बार फिर से डॉक्टर जयाजी नाथ ने बेलापुर का जो इलाका हर बार मानसून में डूबता है उसका मुद्दा उठाया। ये किस लिए ऐसा हो रहा है लगातार, आखिर महानगर पालिका इसको लेकर गंभीर क्यों नहीं है, क्या कारण है कि आज तक बेलापुर का जो वाटर लॉगिंग है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। इस वक्त स्वयं हमारे साथ वरिष्ठ नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ है, इन्हीं से हम पूछने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आप लगातार कई सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा? सरकार अंधा है, कमिश्नर अंधे है, क्या बीच का प्रशासन अंधा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतने साल से बोलने के बाद, मैं हाईकोर्ट में PIL दाखिल करने के बाद सभी स्तर वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन से दिखा के उनको दिखाने के बावजूद भी आज प्रशासन करने को तैयार नहीं। आज वापिस इस टाइम अंधेशा है वर्तमान क्या है उसका मानसून मौसम का वर्तमान है कि उनका कहना है कि बरसात बहुत होने वाला है। अगर पौष होने बहुत होगा तो सबके घर में 4-4 फुट पानी 5-5 फुट जाएगा, इनका आर्थिक नुकसान कौन करेगा। आज 25 साल से मुझे चुन के दे रहे लोगों का विश्वास है करके दे रहे, और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। मैं कोर्ट गया, जो शांति से गांधीगिरी से जो लड़ाई हर अपनी मीटिंग में देखा होगा, गए 5 साल से तो तीव्रता से, मैं महासभा हो, स्थायी समिति हो या आयुक्त के साथ ही दो साल से झगड़े कर रहे, लेकिन कस्कमस नहीं हो रहे। मैं इसलिए आयुक्त साहब को बोला, आप प्रशासन के नुमाइंदे हो तो आप जाके बैठ के करा नहीं सकते, सीरियसनेस क्या है, तो हमारी जान लोगे, हमारे आँखों के आंसू देखोगे तभी तुम लोग करोगे, तो इनको आंसू क्यों लगा दूँ। मेरे भाई लोग हैं, मेरे बहने हैं, उनका संसार उद्वस्त हो रहा है, तो मुझे तो जान देना ही पड़ेगा। मेरे कोई फिक्र नहीं है, मैंने जी लिया, बहुत जी लिया, लेकिन मैं समाज के लिए जीना चाहता हूँ, खुद के लिए तो क्या जीना है। जैसे कमिश्नर कहना था कि कुछ टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम्स है, आपको क्या लग रहा है किस वजह से आखिर होल्डिंग पॉइंट साफ नहीं हो रहा और जिसकी वजह से पानी भर? साहब, ये होल्डिंग पॉइंट सिडको ने 12 होल्डिंग पॉइंट बनाए, ये इसकी टोपोग्राफी ऐसी है, ये बाजू पहाड़ है, ये बाजू खाड़ी है, समुद्र है, ये पूरा पानी समुद्र में जाता है, लेकिन सिटी वसाई गई, मुंबई में गर्दी हो गई करके तो वसाई गई, तो इसको होल्डिंग पॉइंट में वो पानी जो डोंगर से निकलेगा, सिटी से निकलेगा, हाईवे मानसून होगा तो वो होल्डिंग पॉइंट में पानी रुकेगा और उसी टाइम हाईटाइड होगा तो उधर फ्लैपगेट बंद हो जाते, तो पंपिंग स्टेशन से बाहर फेंका जाएगा, ये पानी भरता नहीं था। देखा तो होल्डिंग पॉइंट की जर्जर है, आप चढ़ के देख लीजिए, धड़ 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 से हिलता है, होल्डिंग पॉइंट कभी भी गिर सकता है। उसका टेंडर निकाला शासन ने, 2 साल हो के बावजूद भी वो बांधने को परमिशन प्रशासन दे नहीं रहा है। एमसीजीडी है किसके लिए, लोगों के हित के लिए है कि किसके लिए, वो भी नहीं कर रहे, और जिनको जो जो चाहिए क्या नुकसान होगा उसका दिया। अगर प्रायोरिटी तत्व होने के लिए मैं कोर्ट में गया, कोर्ट जाने के बाद भी इनको सुन नहीं रहा, समझने तो होल्डिंग पॉइंट का पर्पस, ये मैनमेड होल्डिंग पॉइंट है, इट इज़ नॉट बट नेचुरल कि उधर से कुछ आया। मैंग्रोव की स्टोरी ऐसी है, जहाँ तक 40 साल मुझे सिबड़ी में हो गया, मैंग्रोव का बीज ऊपर ही पकता है, उसका अंकुर फूटता है, अंकुर फूट के वो जब भी गिरता है पानी में, वो तैरते लो टाइड में होल्डिंग पॉइंट में आके रुका है। होल्डिंग पॉइंट में रुकने के बाद उसके अंदर के जो चिपक गया, ट्रांसप्लांट हो गया, हो तो मैनमेड होल्डिंग पॉइंट में, अगर होल्डिंग पॉइंट में मैंग्रोव आया तो वो निकाल सकते हैं। जैसा ये बिल्डिंग 40 कोटी का टेंडर हो गया था, ये किसी नगर सेवक ने कोर्ट में गया, ये मैंग्रोव इधर है, 4 मैंग्रोव थे, फिर ये बिल्डिंग कैसी खड़ी हो गई 200 कोटी की। एक नगर सेवक का 40 कोटी का काम, ये महापालिका का 150 से 160 कोटी का नुकसान करवाया उसने, तो जो भी किया है मुझे किसका नाम लेना जरूरी नहीं, परंतु
ये इसको हटा सकता है। तो आज इतने हजारों लोगों के घर में सेक्टर 4, 5, 6, 100 दुकानें हैं मेरे वार्ड में, सब दुकानों के अंदर पानी, होटलों के अंदर पानी, उनका फ्रिज डूब रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है उनके सब नुकसान हो रहे हैं। उन्होंने 2-2 फुट दुकान ऊपर लिया तो भी पानी भर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है आखिर? आज गणेश नाइक साहब जब आयुक्त से ये चर्चा कर रहे थे, जब आपने मुद्दा उठाया, अब क्या लग रहा है आपको, प्रशासन क्या इस बात को लेकर गंभीर है? गंभीर नहीं होना पड़ेगा तो हम उनको गंभीर कर देंगे। गंभीर इन द सेंस हम कुछ मारने वाले नहीं है, बट हम अपना जो आहुति देना है तो दे देंगे उनको, फिर जेल जाना है या ये सरकार बचाना है तो बचाना है तो प्रशासन को। आज आपने कहा है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आत्महत्या करेंगे, हालांकि गणेश नाइक साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए गंभीरता अपनाएगा, आपको विश्वास है कि अभी ऐसा होगा? जब तक दिखेगा नहीं तब तक मैं तो कुछ विश्वास नहीं करूंगा। पानी आने दो, 1 फुट आया 10 मिनट में चला गया, वो चलेगा, परंतु जो हर टाइम 3-3 घंटे 4-4 घंटे पानी रुकता है, यातायात बंद हो जाती है, घर से बाहर निकले पेशेंट को नहीं, डिलीवरी को पेशेंट को एमजीएम में जा नहीं सकते, इधर से उधर हाईवे क्रॉस नहीं कर सकते, यह परिस्थिति कोकण भवन, झिड़को भवन से लेके सीबीडी तक पूरा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिर तो उसको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे जो करना है, हमको जो बोल के अभी दिखाइए हम करके दिखा देंगे। बहुत बहुत थैंक यू। आपने जैसा आपने सुना कि जो सीबीडी बेलापुर की समस्या इतनी गंभीर है, और जिस तरह से वरिष्ठ नगर सेवक डॉक्टर जयाजीनाथ लगातार लोगों को लेकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये मामला अदालत तक भी जा पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन कुछ उस पर गंभीरता दिखा रहा है और ना ही अदालत से ही कुछ बड़ा फैसला आ रहा है। ऐसे में ये फिर जब मानसून आया है तो लोग खतरा महसूस कर रहे हैं कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि भारी बारिश के कारण उनका पूरा इलाका डूब जाए और उन्हें नई मुसीबत झेल नहीं पड़े। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।